इसे भी अभी खराब होना था। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, आप किससे हेल्प मांगू? वो मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प कर दो। अजीब पागल बंदा है, जब हेल्प नहीं करनी थी तो रुका ही क्यों? अरे यार ये तो चला गया, थैंक यू भी नहीं बोल पाई इसको, फालतू में इसको गलत जज कर लिया। हो लावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां, मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां। एक सपना है मेरा, सपने विच तू आवे, मैं तेरी हो जावा, तू मेरा हो जावे। अच्छे बने खा जाएगी, सारे सारे खा जाएगी। हाँ। अच्छा संजू, हम शादी कब कर रहे हैं? जब तुम बोलो। तो तुम्हें घर पे बात नहीं करनी क्या? मैंने तो घर पे बात की हुई है, हम दोनों के बारे में सब बताया हुआ है, तुम अपने घर पे बात करो। ठीक है, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। पापा मैं ये कह रही थी कि एक लड़का है संजू, बहुत ही अच्छा लड़का है पापा, और मैं और संजू एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं पापा, तो मैं कह रही थी कि आप उनके घर वालों से एक बार बात कर लेते तो। तुमने पसंद किया है तो लड़का तो अच्छा ही होगा, करता क्या है? पापा उनका फैमिली बिजनेस है, वो अपने बड़े भाई के साथ ही काम करता है। बेटा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन लोगों के साथ हम कहां सकेंगे? अगर उन्होंने दहेज में कोई बड़ी चीज मांग ली तो हम कहां से पूरी करेंगे बेटा? नहीं पापा, वो ऐसे लोग नहीं है, आप एक बार उनसे मिलकर देख लीजिए। आप कहते हो तो बुलाओ एक बार उनको, देखते हैं। ठीक है पापा, ठीक है।
पहले ही नराते साडे वन दिते गाने एक दूजे देवे दोहां परिवारां ने मेरिया सहेलियां दी तेरे बारे ऐसे ओके आखिया होना है तेरे यारां ने मेरिया सहेलियां दी तेरे बारे ऐसे ओके आखिया होना है तेरे यारां ने बेचाई चाई निकले महीने सवा पंज लैवे मांगदा। ठीक है जी, हमें रिश्ता मंजूर है, पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। तू हाथ में हाथ जो दे गया चलूं मैं जहां जाए तू दाएं मैं तेरे बाएं तू और तुम्हें हवाए तू साथिया हंसू मैं जब गाए तू रो मैं मुर जाए। ठीक है जी, आ जाओ जी, आप आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों? किसका फोन था? इसमें बाबू, वो संजू के बड़े भाई का फोन था। क्या कह रहे थे वो? कुछ दहेज वहेज की बात कर रहे हैं। अब इस टाइम में सगाई हो चुकी है, अब कोई दहेज की बात होती है क्या? कोई बड़ी चीज मांग ली और हम नहीं कर पाए और रिश्ता अगर तोड़ दिया तो? खैर छोड़, चिंता मत कर, जा आते बात करते हैं उसे, जा बेटा। और सुनाए शर्मा जी, सब ठीक? जी सब बढ़िया जी। कार्ड वार्ड सब बट गए? कार्ड क्या जी, अब तो मेहमान भी आ गए, अब तो घर पे। चलिए छोड़िए, बाकी बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले काम की बात कर लेते हैं। वो मुझे आपसे दहेज के बारे में बात करनी थी। मुझे बस आपसे यही कहना था कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि आप अपनी बेटी की शादी में एक रुपया भी खर्च कर नहीं लगा दे। मुझे अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए, लेकिन ऐसी लक्ष्मी नहीं जो अपने पिता को कर्ज में डुबोकर मेरे घर पर आए। और वैसे भी संजू ने जितना कुछ बताया है आपकी बेटी के बारे में, मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे घर की बहू बनने जा रहे हैं। शादी दो दिलों का, दो परिवारों का मिलन है। ये दहेज नामक शब्द तो लालची लोगों द्वारा बनाया हुआ है। मैं दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हूँ। हेलो दोस्तों, शादी दो दिलों का और दो परिवारों का मिलन होता है, ना कि पैसे के लेन देन का। तो ना तो दहेज ले और ना दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हैप्पन ऐप को जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।